हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग पैटर्न, टॉपिक वाइज मार्किंग पैटर्न फॉर द मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। मैथमेटिक्स बच्चों को वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और बहुत ज़रूरी है कि हमको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन से चैप्टर्स हमको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और कितने नंबर का वेटेज किस तरह के क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से चैप्टर से होगा। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग और समझेंगे पूरा डिटेल में कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के और कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ पे अरेंजमेंट होगा क्वेश्चन पेपर में, किन चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करेंगे सेक्शन ए से, क्योंकि वो कंपलसरी सेक्शन है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर एक पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी होता है और सेक्शन बी ऑप्शनल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। तो देखिए बच्चों, सेक्शन ए में जो आपके सामने स्लाइड आई है, सेक्शन ए जो कि एक कंपलसरी सेक्शन है, आउट ऑफ 80 मार्क्स 40 मार्क्स का ये सेक्शन ए होगा और जिसमें कि आपको तीन क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यूज के 15 क्वेश्चंस होंगे। अब इन क्वेश्चंस का क्या ऑर्डर होगा और कौन कौन से टॉपिक्स इनमें कवर किए जाएंगे ये आपके सामने यहाँ पर है। तो देखिए एमसीक्यूज में पहला टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन आएगा जीएसटी, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा क्वेश्चन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से होगा, चौथा क्वेश्चन मैट्रिसेस से होगा, फिफ्थ क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से होगा, सेवेंथ क्वेश्चन सिमिलैरिटी से होगा और एट्थ क्वेश्चन सिलेंडर कोन स्फीयर से होगा, नाइन्थ क्वेश्चन लीनियर इनइक्वेशन से होगा, टेंथ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से होगा, इलेवेंथ क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिसेस अगेन, यानी कि मैट्रिसेस के देखिए दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ट्वेल्थ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आमतौर से सेक्शन फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ लाइन कहीं से भी हो सकता है, थर्टीन क्वेश्चन सर्किल एंगल प्रॉब्लम से, फोर्टीन्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फिफ्टीन्थ स्टेटिस्टिक्स से होगा। तो इन दिस वे आप देख रहे हैं आपको ये 15 चैप्टर्स तो तैयार करने पड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए, यानी हर चैप्टर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ रहा है एक नंबर का, 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यूज वाला पार्ट जो कि 15 मार्क्स का है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे और 3 पे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखें जो कि सेक्शन ए के कंपलसरी सेक्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन से होंगे? पहला पार्ट होगा रिकरिंग डिपॉजिट से 4 मार्क्स, दूसरा होगा रेशियो प्रोपोर्शन 4 मार्क्स और थर्ड होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अगेन द 4 मार्क्स। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 3 पार्ट्स हैं लेकिन ये 4-4-5 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिलेंडर कोन स्फीयर फर्स्ट क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और उसके बाद रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन होगा ग्राफिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इस तरह से ये 13 मार्क्स हुआ। इन दिस वे कंपलसरी सेक्शन का 40 मार्क्स का क्वेश्चंस कवर अप हो गया, 15 मार्क्स हुआ एमसीक्यूज, देन 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के और 13 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 के। तो इस तरह से अब आपको देखिए ये आइडिया लग रहा है कि कंपलसरी सेक्शन के लिए हमको कौन कौन से चैप्टर्स को हर हालत में तैयार करना है या करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए अकॉर्डिंगली आपको ये तैयारी करनी होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, सेक्शन बी पर। बच्चों अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी, जिसमें कि आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी ये 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आप और ये स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे 3 पार्ट्स, 3-3-4 ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का, 3 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जीएसटी से होगा, सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, आमतौर से वर्ड प्रॉब्लम होती है, थर्ड होगा मीन हिस्टोग्राम एंड मोड, मीन और हिस्टोग्राम का रिलेशन है और मोड उससे निकालना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा पहला पार्ट मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट सर्किल टेंजेंट
और थर्ड पार्ट आपके सामने आ रहा है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये 3-3-4 इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पार्ट होगा इक्वेशन ऑफ लाइन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड पार्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट जो होगा वो प्रोबेबिलिटी से होगा, 3 मार्क्स का। फिर सिलेंडर कोन स्फीयर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और थर्ड पार्ट होगा सर्किल एंगल प्रॉब्लम, 4 मार्क्स का। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि सर्किल प्रॉब्लम, सर्किल एंगल और टेंजेंट से, या स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अभी आप देखेंगे मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स में कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 57 मार्क्स मिनिमम आउट ऑफ 80 ला सकता है एक टेक्निक से, सेलेक्शन ऑफ चैप्टर्स। केवल बहुत ही कम नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे और उसके थ्रू भी आप इतने नंबर गारंटेड ले आएंगे, अगर आपको ये पता हो कि कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ सके। वेट करिएगा, बस एक दो दिन में उससे रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगा। तो वेल, ये सारे क्वेश्चंस हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी 3-3-4 के डिस्ट्रीब्यूशन में है। पहला पार्ट होगा लीनियर इनइक्वेशन से, दूसरा पार्ट होगा मीन कैलकुलेट करने से रिलेटेड, मीन या मीडियन भी हो सकता है, और थर्ड पार्ट होगा सिमिलर ट्राइंगल या सिमिलैरिटी से रिलेटेड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होंगे केवल। एक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, और दूसरा पार्ट होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन 3-3-4 के रिलेशन में है, लेकिन एक क्वेश्चन 4 और 6 के डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके भी 3 पार्ट हैं 3-3-4 के डिस्ट्रीब्यूशन पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सेकंड है कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन सिलेबस में है, और थर्ड पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, इन दिस वे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कौन से नंबर पे क्वेश्चन पेपर में इन क्वेश्चंस का अरेंजमेंट होगा किस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वेट करिए अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपको एक श्योर शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ कि सेलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ के भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, जिसको कि बहुत दिक्कत है मैथ्स में, जो समझ नहीं पा रहे हैं मैथ्स को, थोड़ा सा सेलेक्टिव पोर्शन पढ़ लेंगे और सेलेक्टिव क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन आप 55 से 57 नंबर्स पा सकते हैं अगले 24 दिनों की 25 दिनों की मेहनत से। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। तो वेट करिए अगले वीडियो का। थैंक यू।